नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मित्रा सॉल्यूशन पर और मैं हूं गणेश ओझा। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि NFSA में जो पॉलिसी प्रिंट करते हैं तो वह किस प्रकार से कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। क्या वो पॉलिसी बिल्कुल सही है या नहीं, इसके बारे में भी मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा, कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम आ जाते हैं राजस्थान स्वास्थ्य बीमा पोर्टल के ऊपर, यानी चिरंजीवी योजना के पोर्टल के ऊपर। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे ई मित्रा वाले कर भी रहे हैं और NFSA वालों को प्रिंट निकाल करके दे रहे हैं, तो वो कैसे निकालते हैं उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। दोस्तों पहले क्या होता था कि जैसे शुरू में ये आयुष्मान भारत यानी चिरंजीवी योजना जो चली थी, तब वहाँ पर पॉलिसी प्रिंट का एक ऑप्शन आता था, लेकिन अब ये जो पॉलिसी प्रिंट का ऑप्शन है वो बंद कर दिया गया है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक NFSA वालों को वाले को यहाँ लगा करके दिखाता हूँ। जैसे हम फ्री वाले पर क्लिक करते हैं तो फ्री वाले पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद में यहाँ नीचे ऑप्शन खुल जाएगा और इसके बाद में हम जैसे ही एग्री पर बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जन आधार कार्ड आईडी या जन आधार कार्ड रसीद नंबर मांगेगा, तो मैं यहाँ पर जन आधार कार्ड नंबर लगा देता हूँ। जैसे ही हम जन आधार नंबर लगाएंगे और सर्च बेनिफिशरी पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर नीचे देख सकते हो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन है वो प्रिंट का नहीं आ रहा है, और आप यहाँ पर इसको भी देख सकते हो NFSA लिखा हुआ है, यानी दोस्तों यहाँ पर कोई भी प्रिंट का ऑप्शन नहीं आता है। तो वो कैसे प्रिंट करते हैं उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। अब हम यहाँ अदर पेड वाले पर क्लिक करके देखते हैं, क्योंकि पहले अदर पेड वाले पर करके और फिर वो प्रिंट इसको कर देते थे, तो अब कैसे मैं आपको आगे और दिखाता हूँ। अब सर्च बेनिफिशियरी पर फिर से क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ अदर पेड में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो कैसे प्रिंट करते हैं उसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। दोस्तों बहुत सारे ई मित्र वाले ऐसे फेक काम कर भी रहे हैं, और जब भी कोई हमारे पास में NFSA वाला आता है तो हमें कहता है कि हमें प्रिंट करके दो, तो हम कहां से प्रिंट करके दें, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा है तो कहां से प्रिंट करके देंगे। यानी NFSA वालों का और जो खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं उनका, और जो अन्य लोग हैं जो 19 ग्रेसिया वाले हैं, तो उनका किसी भी प्रकार से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप किस प्रकार से प्रिंट करते हैं वो तो मैं बता देता हूँ। वो दोस्तों इस प्रकार से एक खाली फॉर्मेट रखते हैं और उसे अपने यहाँ फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। अब मेरे पास में से ये एक खाली फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को वो प्रयोग करते हैं और यहाँ पर केवल उनका जन आधार नंबर लगा देते हैं, इसके बाद में यहाँ पर उसका जो एड्रेस है वो भर देते हैं, मोबाइल नंबर लगा देते हैं, श्रेणी NFSA यहाँ पर भर देते हैं, उनका नाम यहाँ पर फिल कर देते हैं इसी खाली फॉर्मेट से। तो वो यहाँ से फॉर्मेट को तैयार रखते हैं और यहाँ पर नाम इत्यादि भर देते हैं, उसके बाद में उनको प्रिंट निकाल करके दे देते हैं, तो इसी प्रकार से वो इसको तैयार करते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल फेक है, किसी भी NFSA वाले की कोई भी पॉलिसी प्रिंट नहीं होती है, तो उनके फ्रॉड में न फंसें। और यदि कोई इस प्रकार का करता है तो आप उनकी जो शिकायत है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि NFSA वालों का सरकार ने खुद ने ही मना कर दिया है कि NFSA वालों का किसी भी प्रकार से कोई भी पॉलिसी न तो प्रिंट करवानी है, उनको किस प्रकार से लाभ मिलेगा, उनको अपना जन आधार कार्ड नंबर ले जाना है इलाज करवाने के लिए, तो वहाँ पर उनकी पूरी डिटेल है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप NFSA वालों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि NFSA वालों का न तो रजिस्टर होगा न पॉलिसी प्रिंट होगी, उनको ई मित्रा के पास में जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना। चैनल पर नए आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इसके नज़दीक आने वाले बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।